हाय सेजल, हाउ आर यू? हेलो सर, आई एम फाइन. ओके, सो आर यू रेडी फॉर योर इंटरव्यू? यस सर. ओके, फर्स्ट वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. हेलो सर, माय नेम इज सेजल नागर. आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उज्जैन. आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, बी कॉम. माय स्पेशलाइजेशन इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन. आई एम पर्सुइंग MBA in Renaissance University. I have a MO certificate like Word, Excel, Tele, PowerPoint, NCC, BNC certificate. I am a kinds of person who has a very flexible to adaptable to the environment. I have a more communication skills. I'm pursuing BCom. I participate in NCC camp and successfully lead of 15 team members. Then my achievement is 5 gold medal and 2 trophy. Okay, great. So, what do you know about the Byju's company? Byju's is a most learning and edtech company. Okay. And which year Byju's established? 2011. Okay. So, what is the role of pre-sales? Pre-sales is a calling of customer to sell of Byju's. Okay. तो मेरा आपसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा. ट्रीट मी एज अ कस्टमर, यू आर अ सेल्स पर्सन, ठीक है? तो यू हैव टू कन्विंस मी टू बाय अ व्हाइट शीट पेपर एंड आई एम इलिटरेट पर्सन. सपोज आई एम इलिटरेट पर्सन एंड यू हैव टू कन्विंस मी टू बाय अ व्हाइट शीट पेपर. आपको एक व्हाइट शीट से पेपर सेल करनी है, तो आप मुझे कैसे कन्विंस करोगे? यस, हेलो सर. हेलो सर, ये पेपर आपका आपको बहुत यूज आ सकता है. मे बी आपके बच्चों बच्चे इस पर ड्राइंग बना सकते हैं. आपकी वाइफ उन्हें मीन्स डब्बे वगैरह जैसे मीन्स याद नहीं रहते हैं, तो आप उस पे नाम वगैरह लिख के आप स्लिप लगा सकते हैं. ओके ठीक कवर अप के लिए आपको पेपर है. ओके ठीक है. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि मैं आपकी शॉप पे आता हूँ, ठीक है, और आप एक सर. अमूल शॉप में ऑनर हूँ, ठीक है? तो मैं आपकी शॉप पे डेली 37 रुपीज की प्रोडक्ट को लेता हूँ, लेकिन आपको मुझे कन्विंस करना है. यू हैव टू कन्विंस मी टू बाय ये 50 रुपीज प्रोडक्ट, और एक साथ में साथ आपको 450 रुपीज की 1 ईयर की मेंबरशिप भी आपको सेल करनी है. तो हेलो आप मुझे सर. कैसे कन्विंस करोगे? यस ओके. हेलो सर. हेलो हेलो सर, आप 35 रुपीज का तो रोज ही अमूल का प्रोडक्ट ले जाते हैं, बट आप 50 रुपीज का इस बार ट्राई कीजिए. इस बार इसमें क्वांटिटी ज्यादा है और आपको डेली से आना भी नहीं पड़ेगा ये बस इस प्रोडक्ट क्वांटिटी को ज्यादा है परचेज या करने कुछ के और लिए. इसमें, मतलब इसकी और कुछ फीचर्स इसमें हैं? सर, टेस्ट वगैरह में भी इस बार ज्यादा बेटर आया है. इसमें मीन्स आप अमूल चीज ट्राई करें ना, इसमें ये चीज मतलब इसमें सॉल्टी है, तो इसका टेस्ट टेस्ट बहुत बेटर है इस चीज का. बट एंड मुझे सर, फोर इसके फिफ्टी साथ रुपीज आप का मैं मेंबरशिप क्यों लूँ? सर मेंबरशिप इसलिए क्योंकि आपको इसमें प्राइस रिडक्ट हो जाएगा, आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. ये आपको 50 रुपीज का पड़ रहा है, तो आपको 30 रुपीज का ही मिले ओके, तो पड़ेगा मान लो कि रहेगा. कल को अगर 1-2 दिन मंथ में अगर नहीं ले पाता हूँ कुछ कारण से, अगर मैं नहीं लेता हूँ, तो क्या उसके भी प्राइस मुझे पे करने पड़ेंगे? नहीं, सर आपको पे नहीं करना पड़ेगा. अगर आपको अगर उस चीज़ की नीड है और आप नहीं आ पा रहे, तो हम हमारे एम्प्लॉय को वहाँ पर आपके होम पर भेज के हम डिलीवरी करवा देंगे. पर अगर मेरी कंपनी मुझे ट्रांसफर कर दे दूसरे स्टेट में जॉब करने के लिए, तो क्या उससे वहां पे भी वो सेम, मतलब चीजें मिल सकती है मुझे, मेंबरशिप की जो जी बेनिफिट्स हैं? सर. जी सर, वहाँ पर भी मिल सकती है. अमूल का प्रोडक्ट हर जगह अवेलेबल रहता है. ओके ओके. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको एक स्वेटर सेल करनी है, और मैं आपकी शॉप पे आया हूँ टी शर्ट लेने के लिए, राइट? तो आपको एक स्वेटर सेल करनी है, और सीजन है, समर सीजन है, गर्मी का सीजन है, आपको एक स्वेटर सेल करनी है, तो आप मुझे कैसे कैसे बाई करने के लिए कन्विंस करोगे? हेलो हेलो सर. सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं आपकी शॉप पे टी शर्ट लेने के लिए आया, तो क्या आप टी शर्ट वगैरह दिखा सकते हो आप? ओके. सर, टी अभी हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है. अगर आप ये स्वेटर सेल आउट लेते हैं, तो आप इसके साथ आपको 2 टी-शर्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगी, तो आप देख लीजिए.
ओके, लेकिन मैं बता दूं, मेरे पास ब्रांडेड टी शर्ट सॉरी मेरे पास पहले से स्वेटर रखी हुई है घर पे, 5 ब्रांडेड स्वेटर पहले से हैं, तो मैं क्या करूंगा मतलब उसको लेकर अभी। जी सर, सर पर ये लेदर लेदर जैकेट है, ये आपको सिर्फ 300 का पड़ रहा है सर, इतना सस्ते में कोई नहीं देगा। मतलब सर आपको ओके ओके, मतलब डिस्काउंट वगैरह आप दे रहे हो है ना, जी जी सर, इस पे यही डिस्काउंट है। तो तो सर मतलब ये आपको डिस्काउंट मतलब कि स्वेटर, सर आपको स्वेटर का यूज भी करेगा, ये लेदर जैकेट में भी आप पहन सकते, देन आपके पास 2 टी-शर्ट्स और आ रहे हैं, ओके, तो तो इट्स मैं एक ओके। काम करता हूँ ना, विंटर में आके ले लेता हूँ, अभी लेने से क्या फायदा होगा, अभी टी शर्ट ही ले लेता हूँ, टी शर्ट ही आप दे दो। नहीं सर, सर ये ऑफर अभी के लिए ही है, और ये सर हमारे पास लास्ट स्टॉक बचा है, इसलिए हम सर इतने सस्ते में इस चीज को दे रहे हैं। विंटर में तो ये 5,000 में भी पॉसिबल, 5-6,000 से कम आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप ओके देख ओके, लीजिए, इतनी अच्छी डील आपको और कहीं नहीं मिलेगी। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, व्हिच वन इज बेटर, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू यू? व्हाई सर स्मार्ट वर्क, स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क नहीं क्यों अच्छा है हार्ड वर्क से? सर स्मार्ट वर्क में आपको वर्क कम रहेगा, स्मार्टली आप हर चीज को हैंडल कर सकते हैं, हार्ड वर्क में आपको वर्कलोड ज्यादा रहेगा, आपको दूसरों की सुननी पड़ेगी। स्मार्ट वर्क में आप सिर्फ अपनी चला सकते हैं, मींस अपना माइंड यूज करके आप लोगों को वह लेकिन चीज प्रोवाइड करवा यस सकते हैं। ओके, ठीक है ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि मैं आपको 3 वर्ड्स देता हूँ और आपको अपने अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटी लेवल पे आपको उसको आपको अरेंज करना है, राइट? तो फर्स्ट वर्ड इज ग्रोथ, सेकंड वर्ड इज वर्क लाइफ बैलेंस एंड थर्ड इज मनी, तो यू हैव टू अरेंज दिस सर वर्ड्स अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। फर्स्ट वर्क लाइफ में आप बैलेंस, सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस होगी, ठीक है, सेकंड देन ग्रोथ, थर्ड एंड थर्ड थर्ड मनी। मनी रखोगे, ठीक है, तो मनी को आप प्रेफरेंस क्यों नहीं दे रहे हो सबसे पहले, आप प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हो मनी? मनी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? सर मनी इम्पोर्टेंट है, बट वर्क लाइफ बैलेंस होगा जब भी मैं ग्रोथ कर पाऊंगी, उसी अगर मेरी ग्रोथ होगी उसके बाद मतलब अच्छा मनी में आ पाएगा मेरे पास। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ एकेडमिक क्वेश्चन पूछूंगा, तो मेरा फर्स्ट एकेडमिक क्वेश्चन आपसे ये है, व्हाट इज द कलर ऑफ रेनबो? सेवन कलर्स, व्हाइट, रेड, इंडिगो, ब्लू, येलो, वॉयलेट, सर हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया 28 एंड यूटी? हाउ मेनी यूटीज इन इंडिया? 29 UT 29. So my next question to you is, what is the difference between ratio and fraction? सर, आई डोंट नो। ओके, तो कुछ करो कि आप प्री सेल्स एग्जीक्यूटिव बाइजूस में और आपसे चाइल्ड ये क्वेश्चन पूछ देगा, तो आप कैसे उनको हैंडल कर सकते हो, आप मतलब कैसे आपको हायर करें, आपको सर एकेडमिक क्वेश्चन मुझे, का थोड़ा सा आपको नॉलेज है नहीं मतलब, है ना? यस सर, सर मुझे बुकिंग करना रहेगा, मुझे मतलब स्टूडेंट से बुकिंग करवाना रहेगा सर, मेरा ये वर्क नहीं रहेगा कि मुझे स्टूडेंट्स के पास जाके उन्हें उनके क्वेश्चन वगैरह का आंसर देना पड़े, ये वर्क उनका BDA का रहेगा। सर ओके, मैं मतलब अपनी इस स्किल पर भी वर्क कर रही हूँ, तो मे बी तो इसको आप पॉसिबल इम्प्रूव नहीं जॉब करोगे, भी मिल मतलब जाएगा। आपका कैंडिडेट अच्छे नहीं, इसको इम्प्रूव नहीं करोगे बाद में आप? नहीं सर, मैं इम्प्रूव कर रही हूँ इन सब चीजों पर भी। ओके, तो हम लोग ठीक है, आपसे कुछ एकेडमिक क्वेश्चन तो मैंने पूछ लिया है, तो मैं आपसे कुछ बीडी लेवल क्वेश्चन पूछता हूँ जो प्री सेल्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, तो पूछ करो कि मैं SBI में मैनेजर हूँ, ठीक है, और मेरा जो चाइल्ड ओके एवरेज स्टूडेंट है और मेरा जो माइंड अप कर रहा है कि उसको मैं पर्सनल ट्यूटर असाइन कर दूं, तो इस सिचुएशन में आपको बायजूस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आप उनको कैसे सेल कर पाओगे? हेलो, हेलो सर, सर मे बी आप पर्सनल ट्यूटर चाहते हैं ना, तो मे बी पर्सनल ट्यूटर इतना आपके बच्चे पर फोकस नहीं कर पाएगा जितना बायजूस करेगा। कैसे कर सकता है, मतलब पर्सनल ट्यूटर है कि मतलब डेली आके घर पे आके पढ़ा सकता है ना, वो डाउट वगैरह सॉल्व कर सर सकता है? बाय
यस सर, सर बायजूस में वीडियोस वगैरह के थ्रू पढ़ सकता है, मे बी वीडियोस वगैरह के थ्रू ये सब चीजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है पढ़ने में ओके, ना। तो सर आप ट्राई कीजिए, आप 15 डेज का ट्रायल है, आप ट्राई करके देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप ओके कंटिन्यू ओके करना, ठीक नहीं तो आपको है आपके ठीक है ठीक पैसे रिफंड मिल सकते हैं। है। जो मेरा चाइल्ड है वो एक्स्ट्रा मार्क्स में पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके पहले जो मार्क्स आते थे 60% मार्क्स आते थे, अब उसके मार्क्स 90% आ रहे हैं। तो आप मुझे कैसे सेल करोगे बाइजूस प्रोडक्ट? हेलो सर, हेलो, सर आपका बच्चा वहाँ पर ज़्यादा स्कोर कर रहा है, बट बायजूस में वो मे बी पॉसिबल जिससे ज़्यादा स्कोर कर सकता है वहाँ, क्या बिकॉज पॉसिबिलिटी बायजूस है? में मतलब कोई वीडियो गारंटी है कि मान लो कि अगर अच्छा स्कोर नहीं करते आप पूरे मनी रिफंड कर दोगे, ऐसी कोई पॉलिसी है भाई उसमें? तो नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बट फिर मैं आपका किस बच्चा वहाँ पर बेसिस स्कोर पे मतलब इसको ले करेगा, सकता हूँ? क्योंकि वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने मे बी टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे ने कितना स्कोर किया है। ओके, और यस कोई सर, फीचर्स सर नहीं वहां है? पर ऐसा कोई एसडी फीचर बता दो जो सर एक्स्ट्रा मार्क्स में नहीं है बाइजूस में है। सर एसडी क्वालिटी रहती है वहां पर वीडियो में, 3D मे बी 3D बच्चों को एनिमेशन पढ़ाया रहता है? जाता 3D है, थ्री एनिमेशन होता डी है? ओके, एनिमेशन रहता है। यस सर, और क्या फीचर्स होते हैं? सर वहाँ पर आप आपके बच्चों का मार्क्स वगैरह देख सकते हैं कि कितना है, कितना ग्रोथ किया है उसने, टॉप पर है या फिर कहाँ पर है, पेरेंट्स लेवल रहता है कि आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर पूरा। और वहाँ बायजूस में आपके बच्चों को गेम वगैरह का एग्जिस्ट ही नहीं रहता है, क्यों नहीं रहता है ऐसे? और ओके, वो बिकॉज सर अगर बायजूस में गेम्स वगैरह का रहेगा तो आपका बच्चा, आपको पता ही नहीं होगा कि आपका बच्चा गेम खेल रहा है या पढ़ाई कर रहा ठीक है, ग्रेट। ठीक है। यस सर, है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि माई चाइल्ड इज स्कॉलर, सपोज माई चाइल्ड इज स्कॉलर एंड ही इज गेटिंग 98% एवरी ईयर, वी यस सर, आर वीडियो इन बाइजूस एंड यू हैव टू कन्विंस मी टू बाय दिस बाइजूस प्रोडक्ट। तो आप कैसे मुझे कन्विंस करोगे क्योंकि मेरा चाइल्ड ऑलरेडी स्कॉलर है? यस, यू कैन स्टार्ट। हेलो, हेलो सर, आई नो आपका बच्चा स्कॉलर है, बहुत अच्छा पढ़ रहा है, बट अब यहाँ पर बायजूस में आपके बच्चे की ग्रोथ और ज्यादा होगी, बिकॉज वो स्कॉलर है बट वो एक ही स्कूल या एक ही क्लास में इतना टॉप कर रहा है। बायजूस में आपके बच्चों की ग्रोथ होगी बिकॉज, क्योंकि वो आप देख पाओगे कि वो कितने टॉप रैंक पर है, फर्स्ट रैंक पे है, 19 पे है, 20 रैंक पे है। देन यहाँ पे आपके बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधरेगी सर बायजूस बस में आप ट्राई बस यही कर फीचर्स सकते है हैं। और कुछ फीचर्स नहीं है भाई? तो 98% ला रहा है तो वो तो मतलब वो आगे भी 98% लाएगा, तो फिर भाई जो उसको मतलब सर ऐसा क्या देखकर ग्रोथ नहीं कर। गारंटी मीन्स ना सर क्या गारंटी है कि आपका बच्चा 90% ही लाएगा, कहीं ना कहीं आपके बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होगी तो वो ट्यूटर से बात कर सकता है एनी टाइम, मीन्स ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि उसे कुछ इशू आ रहा है तो वो आपका सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे वहीं। तो मान लो कि उसे ओलंपियाड में जाके तैयारी करनी है, अगर नेशनल कंपटीशन का एग्जाम दे तो उसकी तैयारी भाई उसमें करवाई जाती है। ठीक यस सर, है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाई शुड बी हायरिंग? सर एज अ फ्रेशर बायजूस इज अ मोस्ट एथिक कंपनी, तो एंड देन आई स्टार्टेड माय करियर इन अ ग्रोइंग कंपनी, आई हैव अ लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड सेलिंग स्किल्स, आई एम अ कन्विंसिंग पीपल। ओके ओके ठीक है, तो बायजूस में अभी मार्केटिंग फील्ड में भी हायरिंग चल रही है, तो आप इंटरेस्टेड हो इस मार्केटिंग फील्ड में आने के लिए? इंटरेस्टेड यस सर, हो मार्केटिंग फील्ड में आने के लिए आप? यस सर, ओके ठीक है, तो देयर इज अ 2 इयर्स बॉन्ड इन बायजूस, सो आर यू विलिंग टू साइन अप ऑन? यस सर, क्या होगा बायजूस अगर आप नहीं हो पाया तो इस इंटरव्यू में? आपका बैकअप प्लान क्या है? सर 100% पॉसिबल, मैं भी श्योर हूँ मैं कि मेरा हो जाएगा, अगर मैं भी नहीं हो पाता है तो मैं अपनी मिस्टेक्स जो है मैं वो सुधारूंगी, देन मैं अप्लाई करूंगी दूसरी कंपनी में,
देन वहां से मैं अपना एक्सपीरियंस लेके मैं वापस से बायजूस में अप्लाई करूंगी। ओके ग्रेट, इंटरव्यू इज डन।